एक या दो नवंबर कब है गोवर्धन पूजा? चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं गोवर्धन पूजा कब है और इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया। 5 दिवसीय दिवाली का उत्सव कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है जो इस साल 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वही दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा है। हालांकि इस साल गोवर्धन पूजा किस दिन मनाई जाएगी इसे लेकर लोगों के मन में काफी दुविधा है। इस साल दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से समस्त दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब है और गोवर्धन पूजा का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। चलिए जान लेते हैं कब है गोवर्धन पूजा। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर को शाम 6:16 से हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा। अब गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी आप सुन लीजिए। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का है। इसके बाद दोपहर 3:30 से 5:35 के बीच आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। अब कोई भी पूजा हो विधि विधान से की जाए तभी उसका पुण्य और महत्व लगता है। चलिए जान लेते हैं गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की मूर्ति बनाएं। इसके बाद मूर्ति को फूलों और रंग से सजाएं और गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इस दौरान भगवान को फल, जल, दीपक, धूप और उपहार अर्पित करें। साथ ही कड़ी और अन्नकूट चावल का भोग जरूर लगाएं। इस दिन गाय, बैल और भगवान विश्वकर्मा की पूजा का भी विधान है। पूजा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा जरूर लगाएं। इस दौरान जल हाथ में लेकर मंत्र का जाप करें। आखिर में आरती जरूर करें। ये पूजा पूरे परिवार के साथ करें और परिक्रमा जरूर लगाएं। अब चलिए जान लेते हैं गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान इंद्र ब्रजवासियों से क्रोधित हो गए जिसके बाद भारी बारिश होने लगी। ब्रजवासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया और सभी ब्रजवासी पर्वत के नीचे आकर संरक्षित हो गए। तभी से हर साल गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया गया। इससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने का भी दिन कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत की आज भी मथुरा वृंदावन में जाकर लोग परिक्रमा करते हैं और श्री कृष्ण जी को खुश करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।